भारत का सबसे लंबा ब्रिज, जी हाँ, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, ये डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, जिसको धोला सैदिया ब्रिज के नाम से हम जानते हैं, उस ब्रिज के ग्राउंड जीरो पर, यहाँ देखिए सिक्योरिटी पोस्ट है, ये आसाम पुलिस यहाँ होती है। अगर आपकी गाड़ी इधर से गुजरती है उसके सिक्योरिटी चेक के लिए आसाम पुलिस के जवान इधर में तैनात हैं। लगभग 9.15 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज, जिसमें 183 स्पैन है और एक स्पैन से दूसरे स्पैन की दूरी 50 मीटर के आसपास है, यानी 9.25 किलोमीटर लंबा इस ब्रिज पर। यहाँ से आप शुरू करेंगे यात्रा तो उस तरफ में अरुणाचल पहुँच जाएंगे। इधर में देख लीजिए LED का ये ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए एक जो है स्क्रीन लगा है, जिस पर ट्रैफिक रूल डिस्प्ले हो रहा है। वाइल्ड इंडिया लिमिटेड ने इसको लगवाया है, बड़ा ही शानदार है। अगर आगे आएंगे अजय जी तो आपको दिखाएंगे हम कि यह ब्रिज जहाँ से शुरू होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको दिखाई देगा। 9.15 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का यहीं से शुरुआत होता है, ये ग्राउंड जीरो है इसका और यहाँ पर एक शिलापट लगा हुआ है, डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु पर आपका स्वागत है, ये असमिया में लिखा हुआ है। आसाम पुलिस के ये लोग हैं और इधर हमेशा तैनात होते हैं आपके सुरक्षा के लिए। अगर आप इस ब्रिज पर जाते हैं, कोई अनहोनी हो तो उससे आपको ये लोग मुस्तैद होकर के बचाएंगे। और ये है वो शिलापट, जब PM मोदी ने इस ब्रिज का लोकार्पण किया था आम लोगों के लिए, तब जो शिलापट लगा था उस शिलापट को आप देख सकते हैं। असमिया में, इंग्लिश में और हिंदी में, तीन अलग अलग भाषाओं में इस पर लिखा हुआ है। 26 मई 2017 को इस ब्रिज का लोकार्पण हुआ था। इस ब्रिज का सपना देश के जो रोडमैन है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, और कहिए तो इस ब्रिज का सपना साकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ। और 2017 में जब इस ब्रिज का लोकार्पण हुआ तो लोग कहे कि सामरिक दृष्टिकोण से भारत अब मजबूत हो गया। उसको इसलिए कहते हैं कि आसाम से कनेक्टिविटी अरुणाचल का मजबूत हो गया, और खासकर जो चीन से तनातनी अपनी होती है तो चीन बॉर्डर तक डिफेंस को पहुंचाने के लिए इस ब्रिज का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। कहते डिफेंस के लोग यानी सेना के लोग पूरी टुकड़ी के साथ इस पर से पार हो सकते हैं, अर्जुन टैंक इस पर से चल करके जा सकता है, इस तरह की लोड कैपेसिटी है इस ब्रिज का। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस दिन लोकार्पण किया था पूरे ब्रिज पर उनका काफिला गुजरा था, खुद से उन्होंने रुक करके बीच में लोहित नदी को देखा था। और लोहित नदी अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह ब्रह्मपुत्रा नदी का सहायक नदी है और उस नदी पर यह ब्रिज बना है, और अभी यह देश का सबसे लंबा ब्रिज है। लेकिन आने वाले समय में बिहार में और दो पुल बन रहे हैं, एक तो कच्ची दरगाह हमें ब्रिज बन रहा है जो 9.75 किलोमीटर लंबा है, इससे बड़ा वो हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है, विश्व में सबसे लंबी एक्स्ट्रा डोज तकनीक से वो ब्रिज बन रहा है। दूसरा बिहार में ही एक और ब्रिज बन रहा है जो 10.5 किलोमीटर लंबा है, सुपौल जिले को मधुबनी जिले से जोड़ेगा, जिसका वीडियो कई बार आपने हमको देखा है। लेकिन उससे भी बड़ा ब्रिज एक और बन रहा है जो धुबरी में ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही बन रहा है। इसके बाद कहिए तो इस ब्रिज का के बाद जो सबसे बड़ा ब्रिज आसाम को ही मिलेगा, उसके बाद सेकेंड ब्रिज जो है बिहार में होगा, थर्ड भी बिहार में होगा, इस ब्रिज का फोर्थ पोजीशन हो जाएगा आने वाले समय में। तो अभी ले चलेंगे हम आपको यहाँ से लेकर के ब्रिज के उस तरफ तक लेकर के चलेंगे, दिखाएंगे कितना शानदार यह ब्रिज बना है। अगर आप इस पर से चलते हैं तो क्या स्मूथ ड्राइविंग का एहसास आपको होता है, एक्सपेंशन जॉइंट पर जब गाड़ियाँ चलती है तो टक टक का आवाज़ करता है कि नहीं, क्योंकि नवयुगा ने इस ब्रिज को बनाया है। नवयुगा वही कंपनी है जो पटना मरीन ड्राइव का निर्माण करवाई है। तो देखिए शानदार रोड है, रोड की चौड़ाई इतनी है कि कहते हैं कि तीन गाड़ियां इस पर से एक साथ दौड़ सकती है। फिलहाल इससे दो लेन का ही बनाया गया है, दो लेन का रोड है, दोनों ही तरफ सिक्योरिटी मार्किंग है, बीच में डिवाइडर का मार्किंग है, और दो एक तरफ में देखिए लगभग 4 फीट का ये कॉरिडोर है, ये 4 फीट का कॉरिडोर है जिस पर से अगर गाड़ी इस पर से पार भी होती है तो आपको ब्रिज के फुटपाथ पर चढ़ने के लिए इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है। इसके बाद ये देख लीजिए फुटपाथ है, इस पर ये फुटपाथ है, फुटपाथ के इस तरफ में ये साइड बैरियर है, अगर गाड़ी आप किसी भी तरह नींद उंद में होते हैं अगर इधर चढ़ भी जाती है ये इस पर आपका साइड बैरियर आपको गाड़ी को पुल से नीचे उतरने से रोक लेगी। अभी चलेंगे उस तरफ में, आपको दिखाएंगे कितना शानदार बना है, बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु जो सीधा धोला से सेदिया को कनेक्ट करेगा। सामने देखिए हिमालय पहाड़ दिख रहा है आपको, और धोला सेदिया ब्रिज पर हम आपको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप में देश का सबसे लंबा यह मेगा ब्रिज है, इस लेन पर हम आपको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। रोड देख लीजिए शानदार है बना हुआ, और 9.25 किलोमीटर लंबा, सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण। अगर इतना लंबा कोई नदी है उस नदी पर अगर किसी गाड़ी को स्टीमर से पार करवाया जाए तो हमको लगता है 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता होगा कम से कम, फिर उस पर
स्टीमर का इंतजार, फिर उस पर चढ़ाने और उतारने की समस्या, लगभग 5 से 6 घंटा उसमें लगता होगा कम से कम जल मार्ग से जाने में। और यहाँ सोचिए 15 से 20 मिनट में आप जो है पूरे ब्रिज को मैक्सिमम इस पर पार कर सकते हैं। अगर 80 के स्पीड लिमिट है, 80 के स्पीड लिमिट से अगर आप आते हैं तो 8 मिनट में आप इस मेगा ब्रिज को पार कर जाएंगे। यानी कि समझ लीजिए 5 से 6 घंटे जो स्टीमर में लगता होगा लोग को चढ़ने उतरने और अलाइनमेंट पर आने जाने में, वो लगभग 8 से 10 मिनट में तय हो जाता है। 9 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज, जिस पर से देखिए ऑटो भी गुजर जाती है। सामने ये इसका एंड पॉइंट है, आखिरी छोर है, जो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। और यहाँ भी जो है सिक्योरिटी पॉइंट है, जहाँ पर आसाम पुलिस के जवान तैनात होंगे शायद। ये देखिए ये अप्रोच रोड है, धोला सहदिया ब्रिज का अप्रोच रोड आप देख रहे हैं। नो स्टॉपिंग, यहाँ बोर्ड है कि आपको रुकना नहीं है इस ब्रिज। यहाँ पर साइट सीन बड़ा अच्छा है, इसको देखने के लिए कहीं भी आप रुके नहीं, इसका बोर्ड यहाँ में लगा हुआ है। आसाम में यह ब्रिज बना है और ये सब आसाम पुलिस के लोग हैं जो सिक्योरिटी के लिए यहाँ लगे होते हैं। बड़ा शानदार सेवा है और ब्रिज बड़ा साफ दिखता है। कितना आसान हुआ लोगों को चलने में यहाँ से, नजदीक हो गया। इस ब्रिज पर सबसे अच्छी बात आपको क्या लगता है, और सब चीज को भी आप देखते हैं बढ़िया क्या लगा इसका, अच्छा क्या है? मैंने कीन है जो इसी का अच्छा है, कीनेस बहुत है, बहुत अच्छा। देखिए डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम से ये सेतु है और स्टार है भूपेन हजारिका, कई गाने उन्होंने गाए हैं। इधर में एक पार्क का निर्माण हो रहा है, जो बता 300 एकड़ में बता रहे हैं ना आपको, 300 बीघे में एक पार्क बनेगा इधर में। और उसके लिए इधर में देखिए एक प्रोजेक्ट ऑफिस अभी बन गया है, यहाँ लैंड एक्विजिशन हो रहा है। अभी 300 बीघे में एक पार्क निर्माण होगा भूपेन हजारिका के नाम से। और भूपेन हजारिका सेतु पर हमें ये लोग बता रहे हैं कि इसको बन जाने के बाद बड़ा आसान हो गया जिंदगी। सबसे अच्छी बात यही है, ये ब्रिज का क्लीननेस देख लीजिए, पूरे 9 किलोमीटर के अलाइनमेंट में कहीं भी एक बोतल नहीं मिला हमको, जो पानी पी के आप लोग खिड़की से फेंक देते हैं ना, कहीं नहीं दिखा, ना कोई रैपर दिखा, ना ही गुटके का निशान दिखा। सबसे बड़ी बात यही है। और बिहार वाले भैया आपके इज्जत पर तो आज बाटा लग गया, क्योंकि हम बता दिए ये साफ का साफ दिख रहा, गांधी सेतु का स्थिति आपको हमने दिखाया, कैसे आप लोग लाल कर दिए थे साइड वॉल को। तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, कभी भी ऐसे थूकिए मत, सफाई रहने दिए, क्लीननेस किसको अच्छा नहीं लगता। देखिए तो क्या चमक रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इससे इंस्पिरेशन भी आपको मिला होगा कि ब्रिज को कैसे साफ और मेंटेन रखा जाए। बिहार के पथ निर्माण विभाग से हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह से मेंटेन रखेंगे ना, तो मुस्कुराते हुए ब्रिज पर हम लोग आ करके जब पार होंगे तो आपको धन्यवाद कहेंगे कि ब्रिज बड़ी साफ है, बड़ी मेंटेन है। ऐसे ही और वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी मुलाकात आपसे हो सकती है, आप वहाँ जुड़ेंगे हमें तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। धन्यवाद।